सर से, सर के दिल से निकली हुई ये आवाज़ थी जो हमारे हर छात्र तक पहुंची, जिनको वो जानते थे, जिनके बारे में जानते थे उनके बारे में उन्होंने बताया, लेकिन नहीं जानते थे उनके लिए भी वो आवाज़ थी। क्योंकि गुरु जो होता है उसकी महिमा शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौ सीखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ, नौ सीखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ सबकी शिकायतें। मैं रेड्डी साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, चुपचाप सुनता हूँ सबकी शिकायतें, तब दुनिया बदलने की आवाज़ बनाता हूँ। समुंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, समुंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, और मैं डूबती हुई कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। चाहे चांद पर जाए कोई बनाए बुरजे खलीफा, अरे मैं तो कच्ची ईंटों को ताज बनाता हूँ, मैं तो कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूँ। ऐसे हमारे सभी गुरुजनों को ये पंक्तियाँ मेरी समर्पित है। कार्यक्रम की शिक्षा दे रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और 18 ऐसे निशक्त बच्चे, जरूरतमंद बच्चे, जिनको पेरेंट की जरूरत थी, माता पिता की जरूरत थी, वैसे ये राखी दंपति उन बच्चों को माँ और पिता दोनों का प्यार देकर उन्हें अपना वो सब कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं जो उन बच्चों का हक है। ऐसे समाज सेवी श्री मनोज जी राठी को मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। रेड्डी सर का भी आभार जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजित किया। अगली बार और बड़े लेवल पर इस कार्यक्रम का आयोजन हो ऐसी इच्छा रखता हूँ। और मंच पर विराजित दिलीप भाई वो एक ठीक है, तो समाज के प्रति हर इंसान का अपना दायित्व होता है और उसे अगर आपकी क्षमता है तो निर्वहन करना ही चाहिए। एक ऐसी छोटी सी आहुति में भी समाज की भलाई के लिए कर रहा हूँ, कोई अलग से कोई कार्य नहीं है, बस एक सोच थी, छोटा सा एक सपना था, उसको लेके चला हूँ। और आपकी नज़र में, क्योंकि यहाँ पे हालांकि सर नागता के जानते ही हैं, फिर भी कोई बाहर का हो, कोई भी ऐसा बच्चा हो जिसकी माँ नहीं हो, माता पिता दो ही ना हो, रिश्तेदार कहने के प्रताड़ित होता हो, ऐसे बच्चे की जानकारी आप मुझे दीजिए। उन बच्चों की 21 वर्ष की आयु पूरी होने तक संपूर्ण जवाबदारी मौनश्री फाउंडेशन द्वारा वहन की जाएगी। कहीं भी कोई लाचार ऐसा परिवार हो, कई बार अपन देखते हैं नागता ही आसपास में कि गरीबी की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं, गरीबी की धन की वजह से अपने भूखे बच्चों को कि भूख नहीं सहन कर पाते हैं। तो अगर ऐसा भी कोई वास्तविक परिवार दिखे तो आप उसकी जानकारी मुझे देना, कोशिश करेंगे कि वो इस दंश को ना झेले और एक बेहतर जिंदगी, उन्हें बेहतर रोजगार देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार।